बिजनौर जनपद के धामपुर में स्थित शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जिले के सभी स्कूल के प्रधानाचार्य के बैठक का आयोजन किया गया। शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य वीके राणा ने बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक के दौरान जिले के अधिकांश विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। जिले के सभी विद्यालयों में शिशु ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के प्रधानाचार्य ने विशेष तौर पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए एचडी पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरे चौधरी ने बताया कि आधुनिक युग में छात्र छात्राएं पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे और स्कूल में पढ़ने आए छात्र को किस तरह से अध्यापक को मार्गदर्शन करना चाहिए, इस विषय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं वीरे चौधरी ने ये भी कहा कि भविष्य कहे जाने वाले छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति सजग और सतर्क रहे ताकि जीवन का अंधकार खत्म हो सके। सर, आज मीटिंग रखी गई थी विद्यालय में शिखर शिशु सदन में, क्या उद्देश्य है सर मीटिंग का? इसका ये हमारे सहोदय की एक मीटिंग होती है, इसके अंदर हम लोग अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पोस्ट कोविड बहुत सारी समस्याएं आई हैं बच्चों के साथ, उन सब के ऊपर डिस्कस करना, आपस में सहयोग करना। हम चाहते हैं कि प्री बोर्ड्स के हमारे पेपर्स आपस में एक्सचेंज हो, जो टीचर्स एक्सचेंज हो, हमारे बच्चों के अंदर किस तरीके से बदलाव आए, वो किस तरीके से कल के राष्ट्र के नए निर्माता जो हम लोग दे रहे हैं वो केवल भारत के बारे में सोचें, भारत उनके लिए पहले हो, बाकी चीज़ें बाद में।